ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पांसिबली। ब्रॉट तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। रेसलिंग वो स्पोर्ट रहा है ओलंपिक में जिसने भारत को मेडल जिताया है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग में भारत के लिए चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी। हमने देखा क्या क्या हुआ यहाँ पर, रेसलिंग में मेडल ही नहीं आ रहा था और लग रहा था कि कहीं इस बार ऐसा ना हो कि रेसलिंग में मेडल ही ना आए ओलंपिक में। लेकिन अमन सहरावत ने ये चीज़ दूर की, कहा कि रेसलिंग भारत को ओलंपिक में मेडल जिताता आ रहा है और इस बार भी जिताएगा। रेसलिंग में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल के लिए उनका मुकाबला था और उन्होंने इस मुकाबले में अपना बेस्ट दिया और मेडल अपने नाम किया। तो अमन सहरावत की वजह से भारत के अभी ओलंपिक्स 2024 में 5 तो ब्रॉन्ज हो चुके हैं और 1 सिल्वर मेडल जो नीरज चोपड़ा ने जिताया है। ऐसे में अमन सहरावत को लगातार बधाई मिल रही है। नेता, अभिनेता, बॉलीवुड स्टार जो अभी हमने बात की अभिनेता की, इसके अलावा खिलाड़ी, अलग अलग फील्ड के दिग्गज उनको बधाई दे रहे हैं। आपको हम एक एक करके दिखाते हैं बधाई, उनके रिएक्शंस जो आ रहे हैं अमन सहरावत को लेकर, क्योंकि पूरा जो देश है वो बड़ा खुश है। रितेश देशमुख अभिनेता है ये, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन अमन सहरावत, अनदर ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया, बधाई दी है। ओलंपिक में भारत को पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड जिताने वाले अभिनव बिंद्रा सर, उन्होंने बधाई दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन, योर डिटर्मिनेशन ऑन द मैट, योर फोकस एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ विथ ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस, दीज आर द क्वालिटीज दैट मेक अ ट्रू चैम्पियन, इन्होंने बधाई दी। रवि कुमार दहिया, बहुत बहुत बधाई अमन भाई, बहुत बढ़िया, कुश्ती ने 2024 पेरिस में भी पदक और दिल दोनों जीता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और आपको रिएक्शंस दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोर प्राइड थैंक्स टू आर रेसलर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अमन सहरावत फॉर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 57 kg एट द पेरिस ओलंपिक्स। हिज डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेंस आर क्लियरली एविडेंट, द एंटायर नेशन सेलिब्रेट्स दिस रिमार्केबल फीट। इसके अलावा किरण रिजिजू जी ने भी बधाई दी है। With immense pride, I congratulate Aman Sehrawat on winning the bronze medal in wrestling men's freestyle 57 kg at the Paris Olympics. माननीय अमित शाह जी ने भी बधाई दिया, congratulations Aman। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, कुछ और आपको दिखाएं हम बधाई संदेश। BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने भी कहा है कि here comes our 6th medal, छठा मेडल आ गया है। Huge congrats to Aman Sehrawat and making history as the first Indian wrestler to secure a medal at the Paris Games. On his Olympic debut, he grabbed bronze with flair. तो ये देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। योगेश्वर भट्ट, वाह बेटा अमन, आपने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कांस्य पदक जीतकर भारत की कुश्ती का वर्चस्व कायम रखा है, आपको हार्दिक बधाई। कुश्ती में लगातार 5वें ओलंपिक में पदक मिलना देश के लिए गर्व का क्षण है। अब देख सकते हैं आप 2008, 12, फिर 16, फिर 21, फिर 24, तो लगातार कुश्ती में तो मेडल आता ही है भारत के लिए ओलंपिक में। मनु भाकर जिन्होंने इस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीते, उन्होंने भी प्राइड ऑफ द कंट्री लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमन सहरावत ऑन क्लेसिंग ब्रॉन्ज एट द पेरिस ओलंपिक, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन पेड ऑफ। बजरंग पूनिया, शाबाश अमन सहरावत भाई, इस शानदार पहलवान को ब्रॉन्ज मेडल की बधाई दीजिए। अमन कमाल खेले हो भाई, भारत की कुश्ती कभी भी 2008 के बाद से ओलंपिक से खाली हाथ वापस नहीं आती। गीता फोगाट जी ने भी दिया यहाँ पर बधाई संदेश, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमन, कमाल कर दिया आपने। तो ये बधाई संदेश थे अमन सहरावत के लिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने और हकदार हैं वो इस बधाई के। और अमन जिस तरीके से खेले हैं, जिस तरीके से उनकी तैयारी है, किस तरीके से उन्होंने वजन कम किया अपना, क्योंकि वो भी एक दिक्कत आ गई थी सामने कि भाई वजन जो है वो उस कैटेगरी के अंदर होना चाहिए आपका, तो वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है स्पोर्ट्स तक के साथ, आप लोग वो इंटरव्यू देखिए। अमन की तारीफ में आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए और साथ ही अमन को शुभकामनाएँ दीजिए कि अगले ओलंपिक में यानी कि 2028 में वो गोल्ड जीते जो वो जीतना चाहते थे।
यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए।